और भारत पहुंचा और जैसे फिल्म इंडस्ट्री में उस जमाने में एक चलन था कि बेटा आया है, पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, अब इसको लॉन्च किया जाए, राइट? तो लॉन्च करने के लिए नॉर्मली फादर जो है सेकेंड जनरेशन होमैन, तो उन्होंने अपनी पूंजी समेटी, उन्होंने कहा कि बेटे के लॉन्च के लिए पिक्चर बनाते हैं। अब्बास मुस्तान साहब बहुत बड़े डायरेक्टर्स थे उस जमाने में, उन्होंने उनको साइन किया और मेरी फिल्म को लेके लिखावट शुरू हो गई। अब मुझे रात को नींद नहीं आई क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार ये मेरे मेरिट में तो नहीं कर रहा हूँ मैं, पिताजी बना रहे हैं और पिताजी मेरे आइडल, मेरे हीरो, क्योंकि उनको किसी ने सिफारिश नहीं दी थी। उन्होंने स्कॉलरशिप में FTII ज्वाइन किया, 7 सीटों में से पूरे भारत में से एक वो सिलेक्ट हुए बिना किसी सिफारिश के। बम्बई आकर स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके उन्होंने अपने दम पर, अपने टैलेंट पर मकाम हासिल किया। तो इंस्पिरेशन तो ये है और मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू इंस्पिरेशन, पिताजी से पैसे लगवा रहा हूँ। अच्छा, कुछ नींद हो गया तो पिताजी की पूंजी, उनकी मेहनत, उनके 20-30 साल का करियर वो जीरो हो जाएगा। तो पिक्चरें इस तरह की बिजनेस हैं, आप या तो बहुत कमा सकते हो या बहुत घटा सकते हो, लूज कर सकते हो पैसा। अब ये रिस्क जो था ये मेरे कॉन्शियस पे बहुत भारी पड़ रहा था। मुझे लग रहा था, जो आजकल के ज़माने में मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ तो उनको लगता है पापा के पास इतने पैसे हैं, मुझे इतना दे देते तो मैं भी कहाँ पहुँच जाता अपने दोस्तों की तरह, मैं भी अपनी कंपनी शुरू कर लेता। पर मेरी सोच, मेरे विचार उस समय बिल्कुल विपरीत थे। मुझे लग रहा था नहीं, ये गलत है, अपने दम पे करना चाहिए। 15 साल की उम्र से मैंने पिताजी से पैसे नहीं लिए हुए थे, छोटे छोटे ऑड जॉब्स करके, छोटे छोटे बिजनेसेस करके अपना खर्चा वर्चा खुद चलाया था। अमेरिका में भी उनसे पैसे नहीं लिए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद से चलाया था। अब उसूल की बात आ गई, मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। एक तरफ ब्रेक अपना करियर, इतने बड़ा डायरेक्टर, और दूसरी तरफ उसूल। तो हांफता कांपता मैं पिताजी के पास गया और मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा ये। क्या हुआ, नर्वस हो गए तुम? तो क्या हुआ? मैंने कहा नर्वसनेस की बात नहीं है पिताजी, उसूल की बात है, स्ट्रगल करूंगा और खुद अपना मकाम हासिल करूंगा। गलती होगी तो मेरी होगी, सक्सेस होगा तो मेरा होगा। इंस्पिरेशन के और उसूलों के मूड में आके कह देना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। पिताजी का आई एम श्योर स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट है बेटा, और उनके मन में ये भी था कि मैंने इतना नाम बनाया इंडस्ट्री में, मेरा बेटा पोलियो लेके, अपना सर्टिफिकेट्स, फोटोज लेके इंडस्ट्री में जब तक भटकेगा तो नाम मेरा खराब होगा। तो मैंने उनकी मन की बात पढ़ी और ये कहा कि मैं आपका नाम इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरा नाम है विवेक आनंद ओबेरॉय। मैंने ओबेरॉय ड्रॉप किया और सिर्फ विवेक आनंद नाम देकर मैं हर एक स्टूडियो में, हर एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में, हर एक डायरेक्टर के ऑफिस में कास्टिंग के लिए चला जाता था। वो जो जर्नी शुरू हुई, वो जो 18 महीने की तपन थी, अग्नि पे जो चलना पड़ा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सब कुछ पर्सनल है। आप लोगों ने चाहा तो पर्सनल है, नहीं चाहा तो भी पर्सनल है। ताली है तो पर्सनल है, गाली है तो पर्सनल है। ये इंडस्ट्री में लोगों के पास समय कम है, काम ज़्यादा है, थोड़ा एरोगेंस उसमें आ ही जाता है। 18-18 घंटे सुबह से हम निकलते थे, चक्कर काटते काटते एक एक ऑफिस में 6-8 घंटे सारे स्ट्रगलर्स के साथ में बाहर लाइन में खड़े रहते थे और सबकी अपनी कहानियाँ। और जब हम इंटर करते थे ड्रीम्स, होप्स, आशाएं लेकर, और बाहर निकलते थे भूख पिट कर, क्योंकि लोग मुंह पर देखे बोलते थे तुम एक्टर नहीं बन सकते, सर आपने मेरा काम ही नहीं देखा, आपने ऑडिशन तक नहीं दिया मुझे, एक ऑडिशन तो दे दो। नहीं नहीं, हमें तो देख के समझ में आ जाता है तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। कुछ बेचारे भले मानस वो अलग से सलाह देते थे, क्योंकि भारत में एक चीज आपको मिलती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल मुफ्त सलाह। तो सलाह देते थे बेटा तुमको हम कहीं और लगवा देंगे, तुमको अच्छी सी नौकरी दिला देते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लो, असिस्टेंट बन जाओगे डायरेक्शन डिपार्टमेंट में, पैसे वैसे भी ठीक से कमा लोगे, कहीं लाइफ में आगे करियर निकल जाएगा। ये कहा मैटर के चक्कर में पड़े हो, लेकिन पाया अंदर की आग जो थी अंदर
उस सारे जहर को निगल जाते हैं और तप कर जिसमें मैंने फ्यूल बनाया तब तप कर दिया करना है अपने मन में लिस्ट बनाने लग गया ये सारे प्रोड्यूसर्स की कि एक दिन ये सारे प्रोड्यूसर्स मेरे घर चल के आएंगे मुझके सामने उसी सपने के साथ सोता था उसी सपने के साथ उठता था और दोबारा वही 18 घंटे की चाल फिर कहीं से इंफॉर्मेशन मिली ये फिल्म बन रही है कंपनी गैंगस्टर्स की फिल्म है राम गोपाल वर्मा साहब उस फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं हम पहुंच गए शेव करके अच्छे कपड़े पहन के एकदम बढ़िया सा स्ट्रगल करते हुए चले गए कहीं किसी के थ्रू एक इंफॉर्मेशन मिली लाइन में हम भी खड़े हुए वर्मा साहब से मिले उन्हें अपने सर्टिफिकेट दिखाए उन्हें अपना काम दिखाया उनको अपने छोटे से वीडियो क्लिप्स दिखाए उन्होंने कहा कि देखो तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो लेकिन मेरे लिए नहीं हो मैंने क्यों सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ उन्होंने कहा ये फिल्म जो है ना वो एक स्लम के बंदे की है झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ हट्स में रहा हुआ तपा हुआ उसकी भाषा उसकी चाल ढाल सब कुछ उस दुनिया की अंडर बेली की तुम पॉलिश हो यार तुम न्यूयॉर्क से पढ़ के आए हो तुम्हारी अंग्रेजी है मराठेदार ये तो नहीं दिख नहीं रहा मुझे सूट नहीं करेगा उनके बगल में उनके एडिटर बैठे थे चंदन अरोड़ा उनने भी कहा सर सही कह रहे हैं आपको ये बिल्कुल कैरेक्टर सूट नहीं करेगा अभी पिक्चर में कभी कुछ होगा तो चांस देंगे आपको अब यहां दो ऑप्शन थे एक्सेप्ट नो फॉर एन आंसर और टर्न द कॉन्वर्सेशन अराउंड धंधे में भी ऐसे होता है या तो मान जाओ एक कस्टमर हमारा नहीं प्रोडक्ट खाने वाला या तो आप उसे कन्विंस करो तो मैंने मांगा मौका मैंने कहा सर ठीक है एक्सेप्टेड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन पर मुझे 15-20 दिन दे दो और केवल 15 मिनट दे दो उसके बाद आई ओनली नीड 15 मिनट्स आफ्टर 15-20 डेज अरे यार 15-20 दिन में क्या बदलेगा सर वो मेरा काम मैं करके दिखाऊंगा क्या बदलेगा 15 मिनट का समय मांग रहा हूँ तो उन्होंने मूड में कह दिया हाँ चलो ठीक है 15-20 दिन अब ये 15-20 दिन में मैंने की होमवर्क ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिसाइड किया कि 18 महीने की मेहनत और स्ट्रगल ये भी नो एक्सेप्ट करके वॉकआउट करने के बजाय 15 दिन में इतनी मेहनत करो कि नो यस में बदल जाए तो मैंने क्या किया झोपड़पट्टी में गया खोली कहते वहां पे झोपड़पट्टी में खोली हटो खोली में भाड़ा देकर रेंट देकर वहां रहने लग गया न्यूयॉर्क से बढ़ बढ़ के आया अब कोहली का एक्सपीरियंस बहुत अनोखा था सर अलग ही था कुछ हम कोहली में रह रहे हैं रात को कुछ आवाज आई आंखें खुली और ये बड़ा कुछ दिख रहा है क्या बिल्ली है कुत्ता है क्या मूसा मूसा क्या कहते हैं उसको चूहे को इतना बड़ा पहला तो झटका वही लगा दूसरा अगली सुबह बाथरूम ढूंढ रहा हूँ बाथरूम का ही नहीं सुलभ शौचालय में जाना पड़ेगा तब 1-2 रुपए छुट्टे की वैल्यू समझ में आएगी जब जोर से लगी है और छुट्टे नहीं है आपके पास वो एक्सपीरियंस वहां रहना वहां लोगों की बात सुनना उनकी बोल समझना वो कैसे बीड़ी फूंकते हैं वो कैसे चाय पीते हैं उनकी भाषा क्या है उनकी गालियां क्या है वो सारी बातें समझकर उनका लहजा समझकर वो पी गया गोड़ गोड़ के और 20-21 दिन बाद मुझे मौका मिला राम गोपाल वर्मा जी ने वो 15 मिनट मुझे जो प्रॉमिस किए थे वो दे दिए कि भैया आज आ जाओ अब मैंने सोचा विवेक ये एक मौका मिल रहा है इस एक मौके में छक्का लगाना है अब हम वहां जाएंगे और दोबारा बोलेंगे सर मुझे ऑडिशन करो तो ऑडिशन शायद दें ना दें तो मैंने उस समय क्या किया मैंने बोला किरदार बन के ही जाता हूं पहली बार गया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो गंदी सी चप्पल फटी हुई पैंट फटी हुई गंजी ऊपर से खुली शर्ट मुंह में बीड़ी और पूरे बाल बिखरे हुए और एक फोटोग्राफर दोस्त था वो भी स्ट्रगल कर रहा था बेचारा तो मैंने कहा भाई थोड़े फोटो वोटो खींच ले यहाँ पे झोपड़पट्टी में आके तूने कहा यार तू स्टूडियो आ जा मैंने कहा वो नहीं होगा झोपड़पट्टी में खींचनी है वो लुक एंड फील क्रिएट करना है
मेरे पास पैसे नहीं तुझे देने के लिए, पर ये वादा है अगर मैं स्टार बन गया तो पहला कवर तुझे दूंगा, तेरी भी निकल पड़ेगी मेरी भी। तो उसके बेचारे ने शूट किया 25-50 जो बेस्ट फोटोज थे मूड वाले, उनका पंच हाथ में, मुंह में बीड़ी, पूरे एटीट्यूड में पहुंचा उनके ऑफिस, और जिस तरह से वॉचमैन ने मुझे फड़काया, कहां से चले आते, अंदर से मैं खुश हो रहा हूं कि एक बंदे को तो कन्विंस कर लिया अपन ने। भेज दो, जब मैसेज आया वो भी देख रहा है, पता नहीं साहब लोगों को क्या हो गया, कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला रहे हैं आजकल। अब मैं एंटर कर रहा हूं और मुझे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है अपना कांच पे दरवाजे के, दिख रहा है कि यार फेस बड़ा क्लीन चिकना इतना लग रहा है। तो मैंने फट से उसको बोला भैया एक मिनट ये पकड़ना, फोटो साथ में पकड़वाए और बाहर फ्लावर पॉट के गमले के मिट्टी को निकाला और फेस पे ऐसे लगा दिया पूरा मेकअप की तरह। अब ये वॉचमैन जो है बेचारा सिक्योरिटी गार्ड तंग है कि ये हो क्या रहा है भैया, ये मुंह पे मिट्टी लगा के अंदर जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस में। बट आई हैड ओनली वन चांस, मैं अंदर गया ऑफिस में, रामगोपाल वर्मा जी के दरवाजे के बाहर, मुझे आज तक वो मोमेंट याद है, ऊपर वाले का नाम लिया, बोला भगवान देख लेना, मुंह में बीड़ी जलाई, हाथ में फोटोज, और ये एटीट्यूड के साथ दरवाजे को लात मारते पूरे स्ट्राइक के साथ अंदर घुसे, कुर्सी खींची, वर्मा जी सामने बैठे थे, चंदन उनका जो एडिटर था वो भी बगल में बैठा हुआ था, अब वो भी शॉक हो गए कि यार ये लड़का कौन है। अब चेयर खींचा और सीधा का सीधा, मतलब डू और डाई, अंदर से तो दिल धक 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 कर रहा था, पर बाहर से एटीट्यूड हो गए बाप रे, जबरदस्त एटीट्यूड, पीढ़ी भूखते हुए पैर मैंने सीधा चप्पलों के साथ उनके टेबल पे रखे, एक के ऊपर एक, पूरे एटीट्यूड में भूखते हुए उनको देख रहा हूं, अब मुझे घूरते जा रहे हैं। मैंने एटीट्यूड में उनको कहा ढोबड़ा क्या दिखता है, फोटो देख फोटो, और फोटो में बंद बना के टेबल पे फेंक दिया। अब वो कभी फोटो को देखें कभी मुझे देखें, अंदर से तो मैं हालत खराब है, नर्वस हूँ कि यार तुमने ज्यादा तो नहीं कर दिया, पैर वैर उनके टेबल पे, अब कमिट कर दिया उतार भी नहीं सकता, अब मेरे साथ जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तो फॉलो थ्रू करना है मेरे को परफॉर्मेंस पूरा। अब पूरे एटीट्यूड में उठे, बोला यार ऐसा ऑडिशन मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। अच्छा मन में निकलना है थैंक यू सर एकदम फैन बॉय, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये टेस्ट तो नहीं है, मैंने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया तो कहा देगा कैरेक्टर ब्रेक हो गया, तो मैं अपना भूखे जा रहा हूँ, इग्नोर मार रहा हूँ उनको, मुझसे बात ही नहीं होती है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, वो तो अच्छा बस हो गया भाई ऑडिशन, अब मेरी तरफ देखो तुम ये रोल कर रहे हो, तो मेरा पूरी देखो बीड़ी उतारी, मैंने कहा यार ये बीड़ी तो एक उठा दो, पूरे मेरे ऑफिस में बदबू आ रही, सॉरी सर तुम्हें बीड़ी बुझाई, मैंने सर पक्का ना पक्का मुझे कास्ट कर रहे हो, बोला हाँ, तो सर एक बात बतानी, अब क्या क्या बताना है भाई, सर मैं सुरेश ओबर जी का बेटा हूँ, अरे तुम सुरेश जी के बेटे, बताया क्यों नहीं, सर मैं अपने मेरिट से अपने टैलेंट के दम पे आ, आंखों में आंखें डालकर बोला चल, मैं चला उनके साथ पूरी बुरी हालत में, बैठा उनकी गाड़ी में और कहीं ले चले मुझे पता ही नहीं कहां, मैं बोल रहा हूं थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है मामला, मेरे पिताजी के बंगले के बाहर आके उन्होंने गाड़ी रोक दी, तो ये मैंने एक्सपेक्ट किया था रामगोपाल वर्मा की फिल्म का ट्विस्ट, अंदर ले गए पिताजी, संडे था गार्डनिंग कर रहे थे आराम से, उन्हें फूल पौधों में पानी डाल रहे थे, उनने मुझे देखा नीचे नीचे रामगोपाल वर्मा जी को देखा आते हुए, वे चौंके कि क्या हो रहा है भाई, तो मैंने सर आपके बेटे ने अपने मेरिट पे इस तरह से ऑडिशन किया और मैंने आज इसको साइन कर लिया, सबसे पहले मैं चाहता था कि आप सुनो, तो माता रानी की कृपा से 60-70 अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड जीते मैंने लाइफ में एक्टिंग के, लेकिन
उस दिन उस पल पिताजी की आंखों में जो एक गर्व था, आंसू के गर्व थे, मेरे लिए आज तक उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं। तो ये मेरे लॉन्च की कहानी थी, लेकिन हम आपके लॉन्च की थोड़ी सी बात कर लें।